हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने कमरे की साफ़ सफाई, उसके बाद नहाएंगे और फिर नहा धो करके और पढ़ेंगे। आज है संडे और कमरे की साफ़ सफाई के साथ साथ मम्मी के साथ काम भी करवाएंगे, तो आज करेंगे थोड़े से घर की साफ़ सफाई, मतलब जाले उतारेंगे और धोएंगे घर को। उसके बाद बैठेंगे स्टडी सेशन पे। जब मैं थोड़ा सा नाश्ता कर रही हूँ, जो थोड़ा सा तो मैं कर चुकी हूँ, बाद में मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है, दवाई लेनी है ना मुझे, इसलिए। तो अब नहा धोकर हो गए हैं तैयार और सबसे पहले अब मैं लगाने वाली हूँ फर्स्ट स्टडी सेशन, जिसमें मैं पढ़ने वाली हूँ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगी। आप में से कई स्टूडेंट यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बेस्ट बुक बताने वाली हूं, जो कि दिशा की बेस्ट सेलिंग बुक है। यूपीएससी ईपीएफओ सेकेंड एडिशन है, जो कि फुली रिवाइज्ड और अपडेट एडिशन है, और इसमें लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 4 सेक्शन कवर है, जो कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज और जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड दिस बुक आल्सो कवर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। और इस बुक में हमें थ्योरी सोल्व एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर सब मिलता है, और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ ही अमन शर्मा सर द्वारा लिखी गई यूपीएससी ईपीएफओ की बेस्ट बुक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज, अभी मैंने आँखों में ड्रॉप डलवाई है और अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ डलवा करके, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ड्रॉप दी थी और वो दिन में 4 बार डालने के लिए कहा है। गाइज, खाना खा रही हूँ बिना छाछ के, सब पे गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसे फोड़ दूँ सबको, छाछ नहीं ले रहा मुझे, क्योंकि मेरे बुखार हो रहे हैं। मैं बुखार जा, आप लोग मुझे छाछ दे दिया करो, हमें छाछ नहीं मिलती। जो भी सब्सक्राइबर अगर मेरे गांव से मुझे देख रहा है ना, और अगर उनके चाच हैं, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं लेने आ जाऊंगी, ठीक है? वापस आ गई हूँ अपने स्टडी सेशन पे और अभी मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनको निपटा के फिर स्टार्ट करते हैं स्टडी सेशन। गाइस, अब मैं ये वाली बुक पढ़ने वाली हूँ, ये यूपीएससी ईपीएफओ की बुक है, और इसमें मैं करने वाली हूँ हिस्ट्री, मतलब मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये न्यू बुक है इसलिए, और इसमें मतलब सारी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश से सब कुछ है इसमें, मतलब तो मैं इसमें हिस्ट्री का रिवाइज कर रही हूँ। गाइस, मैंने मेरा रिवीजन पूरा कर लिया है और अच्छा गया मेरा रिवाइज, मतलब मेरा रिवीजन अच्छा था। और फिर मेरे होने लग गया है सिर में दर्द, मतलब मेरी आंखों में दर्द, क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो गाइस,
मेरी आंखें ख़राब हो रही हैं, इसलिए मैं 2-3 दिन से नहीं पढ़ पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ पा रही हूँ। आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखना, ओके, अच्छे से पढ़ाई करना मन लगा के, और अच्छा अच्छा खाना खाना, हेल्दी हेल्दी, ज़्यादा हैवी खाना मत खाना, और अपने शरीर का है वो स्पेशली ध्यान रखना पढ़ते टाइम, ठीक है, बाय। बिना पढ़ते टाइम भी ध्यान रखना।